खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां शहर के अधिकतर पार्क कचरा घर के रूप में तब्दील होते जा रहे हैं। पार्कों का रखरखाव सीधे ढंग से ना होने के कारण पार्क घूमने लायक नहीं बचे हैं। शहर में आधा सैकड़ा से अधिक पार्क हैं। यह पार्क शहर के लोगों को घूमने एवं सुकून भरे पल बिताने के लिए बनाए गए हैं। यहाँ पर लोग जाते हैं और फुर्सत के क्षणों में चलकर उसका आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन अधिकांश पार्क इस लायक बचा ही नहीं है। शहर में आज भी कई पार्क ऐसे हैं जहां लोग अपने घरों का कचरा फेंकते हैं और गंदा पानी बहाते हैं। इन पार्कों से दूर ही बदबू आती है। कई पार्कों में तो मोहल्ले भर का पानी जमा होने लगा है। वहीं आपको बता दें कि शहर के वार्ड नंबर 10 में अनंतापुर सोसाइटी द्वारा विकसित किए गए गायत्री नगर मोहल्ले के पार्क में तो दूर से ही बदबू निकलती है। यहाँ पर गंदा पानी जमा होता है, जिससे रहवासियों और बच्चों को भारी कष्ट हो रहा है। लोगों का अपना घरों में रहना मुश्किल हो गया। इस संबंध में मोहल्ले के लोगों ने ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कराई है, किंतु इसका कोई निराकरण नहीं निकला है। ना ही पार्क को विकसित किए जाने के लिए कोई कदम उठाया गया है। अब देखना यह होगा कि आखिर पार्क की साफ सफाई कब तक हो पाती है। अरे समस्या यही है कि रोड नहीं है, नाली नहीं है, तमाम पानी आ रहा है। कहाँ का मामला है ये? हाँ, ये नगर निगम का वार्ड क्रमांक 10 का। किस मोहल्ले का? गायत्री नगर का। क्या समस्या है? समस्या यही है कि रोड नहीं है, नाली नहीं है, पूरा मोहल्ले का पानी आता है। यहाँ तमाम पार्क में भरता है, घर में तमाम चलने लायक नहीं है। बच्चे स्कूल जाते हैं, कैसे निकले क्या है? अभी तो ठीक है, कुछ बरसात में तो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। तो पार्क के लिए आपने कहीं कोई आवेदन या कोई? हमने तो तमाम आवेदन दिया, स्थानीय विधायक को दिया, महापौर को दिया, पार्षद को दिया, कलेक्टर साहब को दिया, कमिश्नर नगर निगम को दिया, तमाम दिया, कोई नहीं सुनता। मुख्यमंत्री महोदय को दिया। जी क्या समस्या है वार्ड में आपके? देखिए मैं यहाँ 2013 से घर बना के यहाँ रह रहा हूँ, और मैंने ये प्लाट लिया था अनंतपुर सोसाइटी से, और उसने हमको विधिवत एक पार्क दिया था जिसमें रोड नाली उसने बता के दिया था कि रोड निकलेगी नाली निकलेगी। अभी तक ये जस का तस है, ना रोड है ना नाली है। सारे मोहल्ले का पानी, मतलब यहाँ से आधे किलोमीटर दूर तक का पानी आके इसी पार्क में आके बैठा। आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे सुअर लौट रहे हैं, पूरा दलदल हो गया है, बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं, गंदगी ऐसी है कि मतलब घर तक अंदर तक घुस रही है। मच्छर, डेंगू, कई मरीज यहाँ पे निकल चुके हैं, और किसी के यहाँ नाली और रोड का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। यहाँ पे बच्चे बरसात में हम लोग गोद में उठा उठा के उनको रोड तक पहुँचाते हैं, तब जाके वो अपने ऑटो और वेन में पहुँचते हैं। और हम लोग कई यहाँ पे लोगों ने गुहार लगाई नगर निगम में, पार्षद से, कोई सुनने वाला नहीं है। आपका शुभ नाम? हमारा नाम अजय सिंह है। मैं यहाँ 2013 से निवास कर रहा हूँ, अपना घर बना के। और